अयोध्या नेशनल पार्क हम वो मिरन जानी कर रहे हैं, वो तो काफी टफ है, वो मुश्किल से भी सारा चार घंटे ट्रैकिंग है, अंधेरे तो सकती है और पाइपलाइन ट्रैक में पाइप आपके साथ साथ ही है। तुम्हें क्या हो गया, तुम अपने आप को चीता तो नहीं समझ रहे? हाथ ने मुझे काट लिया है। अब तुम्हें वैक्सीनेशन लगवानी पड़ेगी, हम मुँह दोगी वैक्सीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने मिरन जानी का एक्साइटिंग ट्रिप किया था और आज हमारे ट्रिप का थर्ड डे है। और आज हमारा क्या प्लान है? आज हमने पाइपलाइन ट्रैक करना है। हाँ जी, आज हमने पाइपलाइन ट्रैक करना है, वो एक टर्नल है उसको देखना है, और अगर हमें मौका मिला तो फिर हम वो भी लेंगे, चेयर लिफ्ट भी लेंगे। सो चलिए हमारे साथ और देखे, रास्ता भी देखे और इंजॉय भी करें और देखे कि हम कैसे पाइपलाइन ट्रैक को कम्प्लीट करते हैं। पाइपलाइन ट्रैक करने के लिए डूंगा गली जा रहे हैं, सब अगेन एक ही वैन में सारी फैमिली फिट होकर जाएगी और फिर हम दिखाते हैं आपको आगे हम क्या क्या एडवेंचर्स करते हैं। सो चले हमारे साथ। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं फिर। हेलो, रेडी फॉर न्यू ट्रैक? यस। आए पूछे किससे पूछे? मैम वो 4 किलोमीटर है, सारा जीरो स्लोप पे, यहाँ से आप सीधा जाएंगे यूपिया निकलते हैं। मुझे पाइपलाइन ट्रैक किस जगह पर? यूपिया मेन जहाँ पे टनल के पास। ठीक है फिर, चलो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई पेट्रोल कितने किलोमीटर का ट्रैक है? 4 किलोमीटर है, बस सारा जीरो स्लोप पे, बच्चे इजीली कर लेंगे ना। बात सारा यार हम वो मिरन जानी कर रहे हैं, वो तो काफी टफ है, वो मुश्किल से भी सारा चार घंटे ट्रैकिंगे। अंधेरे में वापस आए हम, कल मैं रात छोटे से 7 साल के बच्चे के लिए, वो ये मुश्किल से भी डबल है मिरन जानी, चार घंटे की जाने जाने दो दफा की, बस फिर हम ये कर लेंगे, पाइपलाइन करने आराम से। चलें बस, शुक्रिया फिर आपका बहुत बहुत। चलिए दी इन्फॉर्मेशन हमने ले ली है, हम पाइपलाइन ट्रैक करने लगे हैं। हम कह रहे हैं वो जीरो स्लोप के ऊपर है और 1.25 घंटे का ट्रैक है, डूंगा गली से स्टार्ट होगा, अयोध्या चेयर लिफ्ट में ख़त्म होगा। सो चले हमारे साथ। ये अब टिकट्स ले रहे हैं और फिर हम चलते हैं। टिकट ले ली है इसकी? इसके एंट्रेंस पे एक छोटा सा बाजार बना हुआ है और ये हम ये देखो, हाँ चाय की दुकान, और ये हमारा ट्रैक होने लगा है शुरू, है ना? और यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं, अयोध्या नेशनल पार्क, अयोध्या नेशनल पार्क। मीरू इसके पास खड़ी हूँ, उनकी पिक्चर डाल लूँ। ये देखिए, नो कुकिंग नो गन, और ये सारी इंस्ट्रक्शन है। ये लेंगे इसकी हाइट, और यहाँ पर ये वाले एनिमल्स आपको नजर आ सकते हैं। और ये हमारा ट्रैक शुरू हो रहा है, मेरे साथ है मीरू। कैसा आपका व्लॉग जा रहा है सुंदर? अब कोई ट्रैक आता है तो फिर ये देखिए, यहाँ पर ये सारे पौधे हैं, है ना, कितने प्यारे हैं, और इन सबके नाम और टाइप सब कुछ लिखा हुआ है। क्या आ गया? ये इसकी एंट्रेंस होगी ना,
अंग्रेज जोर का पाइप है, ये देखो ये रही इसकी एंट्रेंस बनी हुई है। ऑफिशियली ट्रैक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना मीरू? बच्चों को बता रही है आगे तक करते हैं। जीरो स्लोप का ट्रैक उन्होंने बोर्ड पे लिखा हुआ था कि आगे एनिमल्स भी होंगे। वाह यार अम्मा कैसी बर्फ पहाड़ी। पेपर की तैयारी की है। ये देखिए कितना खूबसूरत और डेंस जंगल है ना। क्या लग रहा है? हाँ अगर यहाँ से कोई डायनासोर रहता होता, पर यहाँ पे दूसरे एनिमल्स हैं ना। हाँ चलो थोड़ा आगे जाके ले लेना, ये ट्रैक इसी के गिर दी है। ये ले जी हमारे बैक बेंचेस। ये बीच में पाइप डला होगा ना, अंग्रेजों की ये वाटर सप्लाई की लाइन है। अभी ऊपर से बंदर भाग भाग के आएंगे। अभी तो साथ साथ जा रहे हैं। अगर निकला हीरो अगर निकला तो हम क्या करेंगे? हैं आपने कहा था ना कल के मैं लड़ूंगी तुम लोगों। अब मेरी ऑप्शन खत्म हो गई है। कहती है आपने कल कहा था ना कि मैं लड़ लूंगी तुम लोग भाग जाना, है ना? ये बाबा को थोड़ी देर पकड़ाते हैं। बस ठीक है अटैच तो हो गया। क्या आ गया? हाँ तो ये पाइपलाइन ट्रैक है तो पाइप तो आएगा ना इसमें। यहाँ पे देखो व्यू कितना अच्छा है, यहाँ पे तस्वीर बनवा लो सारे। एक मेरी खींच दे। देखिए जी व्यू कितना जबरदस्त है। पाइपलाइन ट्रैक की यही खूबसूरती है कि इसका व्यू बहुत प्यारा है। ये देखिए ये पहाड़ कितना खूबसूरत है यहाँ पे। और अब विंटर है और सब्जा भी काम काम ही है क्योंकि अब यहाँ पे स्नोफॉल किसी भी वक्त हो सकती है। और पाइपलाइन ट्रैक में पाइप आपके साथ साथ ही है। हमजा तुम्हें क्या हो गया? तुम अपने आप को चीता तो नहीं समझ रहे? आपने मुझे काट लिया है। अब तुम्हें वैक्सीनेशन लगवानी पड़ेगी। हम मुँह दोगी वैक्सीन पेट में चली। माशाल्लाह हमजा के फैशन तो चेक करो। कलर वाली दे देती हूं। ऐसे तो नहीं तू फैशन ही मशहूर है। चल यार यार ये पहाड़ देखिए आप, ये देखिए कैसा जबरदस्त पहाड़ है ना। मानो भी लगता है काटा होगा शायद, लेकिन जब उन्होंने एक अंग्रेजों ने पाइपलाइन बिछाई होगी उन्होंने काटा होगा। जाहिर है मजदूरों ने हाथ से काटा होगा। नहीं ब्लास्टिंग करते हैं। नहीं कितना मुश्किल काम है। यार देखिए कितना खूबसूरत जंगल है, नीचे तक डेंस है वो देखे। और ये सेफ सा ट्रैक है फैमिलीज के लिए, जीरो इंक्लिनेशन के साथ, और साइड पे फेंस भी है के बच्चे एंजॉय करते हुए जाए। क्रिसमस
ये रजिस के ऊपर बड़ी अच्छी कोटेशन लिखी हुई है, किलिंग मी इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट हाउ विल यू लिव विदाउट मी। वाकई हम ट्रीज के बगैर कैसे रह सकते हैं, इतनी एयर फ्रेश है यहाँ पे और प्योरीफाई है कि इतनी प्योर और साफ सुथरी ऑक्सीजन में हम सांस ले रहे हैं, हम एक अच्छा ब्रीथ कर रहे हैं, खुल के सांस ले रहे हैं फाइनली, है ना मीरू। स्मोग, लाहौर की स्मोग, पोल्यूशन, उन सब से दूर हम कितना अच्छा फील कर रहे हैं यहाँ पर, और व्यू भी कितना ज़बरदस्त है। कौन सा सड़क है? वही वहीं से तो हम आए हैं। अच्छा चलो चलो, ये ना मायरा आप सबको, मायरा इधर देखो क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रही हो, मुझे बताओ। चॉकलेट और राइप, इसके राइपर्स कहाँ फेंकने हैं हमने खा के, या ट्रैक पे पिक्चर बनवा लो, ट्रैक पे अच्छी आ रही है। चॉकलेट खा रहे हैं, चॉकलेट ये देखिए जी, हमने चॉकलेट्स खाई हैं, अब हम जो रैपर्स है ना डस्टबिन में फेंक रहे हैं। मैं हाथ से खोल लूं, बस बस कॉल द पिप्स। देखिए हम लोगों ने जो भी खाते हैं रैपर यहाँ तो घर साथ ले जाते हैं, इस तरह इतनी बड़ी बड़ी डस्टबिन लगी हुई है, मगर फिर भी लोग जो है ट्रैक के ऊपर ही लेस खा के और सब कुछ फेंक के जाते हैं। हाथ से लोग खोलते हैं डस्ट करें। ओ यार आओ क्या हम लोगों में। हाँ। जी हमारे ब्लॉग बिल्कुल रो टाइप होते हैं, कोई इसमें डिलीट की ऑप्शन ही नहीं होती, जो होता है हम उसको वैसे ही ब्रॉडकास्ट करते हैं। नेचुरल। अगली डस्टबिन में फेंक दें, पापा की पॉकेट में रख दो। ट्रैक के ऊपर धूप पड़ रही है और ट्रैक कितना खूबसूरत शाइन कर रहा है, चलते चलते इस तरफ आ गए हैं कि अब पहले हमारे पर धूप नहीं थी, अब हमारे पर धूप पड़ रही है। ये बाकी के मेंबर्स हमारे, मीरू जी कितना खूबसूरत लग रहा है इस वक्त, यहाँ पे हल्की सी लाइट पड़ रही है और खजार जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आएगी आपको, ग्रीनरी कम होती जा रही है, किसी भी वक्त स्नोफॉल हो सकती है। यार अगर हमने आज करना पड़ता ना मीरन जानी, यार वो तो लाइफ टाइम है, है ना हमजा? बड़ा यार, कहते हैं मुझ पर ही नहीं लोग चाहते, उस
स्टिक्स वाला। वो पीछे कश्मीर के पहाड़ है, है ना? वो नीचे वाली वादी, वो पीछे कश्मीर है जहाँ पे बर्फ पड़ी हुई है। वो कश्मीर है और वो है भी वो पिछला इंडिया का कश्मीर। शिमला की पहाड़ियाँ उत्तराखंड, शिमला ये सारा वो एक ही है ना, उत्तराखंड उनका ये मरी टाइप। ट्रैक का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये बिल्कुल खजाक को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे बस अभी ये विंटर का इंतज़ार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कब हम पे बर्फ़ पड़ेगी और हम लोग फिर से स्प्रिंग के मौसम में फ्रेश होकर उगेंगे। यहाँ से ट्रैक बिल्कुल जो है ना ऑटम सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर तक जो झाड़ियाँ हैं खुश्क हो गई हैं, बस अब ये किसी भी वक्त बर्फ़ पड़ने के इंतज़ार में। ये देखिए हर चीज ड्राई हो रही है, बस वो दरख्त रह गए हैं जो सदाबहार हैं, और नीचे जंगल भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। आने वाला मैंने कहा इकट्ठे ही ट्रैक खत्म करते हैं। यस 1 किलोमीटर इज लेफ्ट। चले मीरू आ जाओ, चलो भी चले। ट्रैक का ये हिस्सा भी बहुत प्यारा ही है, है ना? ना देखिए यहाँ पे ऑटम के कलर्स कितने अच्छे आ रहे हैं। ये देखो ये व्यू कितना प्यारा, वो देखो पीछे से पहाड़ कितना क्लियर है। ये ज्यादा कितनी ज्यादा करीब है, यहाँ से करीब है ना। ये देखिए लोग खा के ना तो पैकेट्स और सब यहीं फेंक जाते हैं, हालांकि यहाँ पे इतनी डस्टबिन लगी हुई हैं। ये हमारे लोगों को तमीज ही कोई नहीं है यार। यहाँ पे एक वाटरफॉल हमें नजर आई है यहाँ पर, गर्मियों में खूब बहती होगी, अभी शायद ऊपर पानी जम गया है तो बस हल्की हल्की सी ही है, और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है। मायरा थोड़ा सा नाराज हो रही है, क्लिप नहीं बना है तो बना ले, और ये सब अपना फोटो शूट कर रहे हैं। भाई साइन आ गया यहाँ पर, ब्रिटिश दौर के कोई हैं, है ना? ना हाँ, ये उनके कोई बैजेस है, ब्रिटिश रेजिम के बैजेस हैं ये। उनके आर्मी के बैजेस हैं। बस थोड़ा सा ट्रैक रह गया, मुझे लग रहा है कि बस अब और थोड़ी देर तक एंड हो जाएगा। फाइनली हमारा पाइपलाइन ट्रैक जो है ये एंड होने लगा है। हमें अब इस वक्त तो मरियम लीड कर रही है आगे आगे है, पीछे पीछे ये तीनों है, बाकी के मेंबर्स किधर है? ये नहीं जी, हम एग्जिट लेने लगे हैं अब दरवाजे से। यस यस यस, वी हैव डन इट, वन मोर ट्रैक है ना। नीरन जाने के बाद एक और ट्रैक हमने कर लिया। ये लें जी, नान भाई ने भी ट्रैक कंप्लीट कर ही लिया तेरी और भाभी के साथ। ये लें जी, मीरू और बाबा ने भी ट्रैक कंप्लीट कर लिया। मानो आप फिर हमजा, अयूबिया पाइपलाइन ट्रैक जो था ये सबसे सिंपल है, फैमिलीज के लिए सबसे आसान है, इसकी ज़ीरो स्लोप है, कोई भी इसमें ऐसी हर्डल्स नहीं थी, इसलिए ये फैमिलीज आसानी से कर सकती।
लेकिन अगर आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है तो उनको मशकूरी का ट्रैक करना चाहिए, लेकिन अगर वो उससे भी ज़्यादा एडवेंचरस है तो उन्हें मीरन जाने का ट्रैक करना चाहिए, जो कि हमने लास्ट एपिसोड में किया, आपने देखा होगा, हमने बहुत इन्जॉय किया, आप भी उसको इन्जॉय करेंगे। फाइनली मानो अपी ने भी अपना ट्रैक कम्प्लीट कर लिया और हमारा ट्रैक यहाँ पर ख़त्म हो गया और फाइनली हम अपने ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। अब मोटर टनल आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।